अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू माय लवली स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल वेल एट होम। सो वेलकम बैक टू माय मैथमेटिक्स क्लास, क्लास 4, चैप्टर नंबर 13, फील्ड्स एंड ऑफेंसेस। दिस इज़ पार्ट 2 स्टूडेंट्स। इन अर्लियर वीडियो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट टेक्स्ट बुक वर्क, याद है ना आपको, जिसमें मैंने पैरीमीटर आपको फाइंड आउट करना भी सिखाया था। नाउ रिगार्डिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन CW एक्सरसाइज। लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर CW एक्सरसाइज फॉर योर चैप्टर नंबर 13, फील्ड्स एंड फेंसेस, राइट। सो एज वी सीन ऑल्सो इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो वी हैव फाइंड आउट द पैरीमीटर और बाउंड्री ऑफ द डिफरेंट फिगर्स, राइट। लाइक वाइज दिस एक्सरसाइज इज देयर दैट यू हैव टू फाइंड द पैरीमीटर मीन्स बाउंड्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, राइट। ये जो फिगर्स हमें दिखाई दे रही है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, पैरीमीटर और द बाउंड्री। सो क्वेश्चन नंबर ए आप फिगर देख सकते हो, कैन यू सी स्टूडेंट्स, हियर वी आर हैविंग अ रेक्टेंगल शेप, कैन यू सी, ये क्या है, रेक्टेंगल शेप है एंड दिस लाइन इज ऑफ 8 सेंटीमीटर लेंथ, दिस लाइन लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, दिस लाइन 8 सेंटीमीटर एंड द 3 सेंटीमीटर एंड वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द पैरीमीटर, राइट। सो स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू, वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द पैरीमीटर और बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू एड द ऑल द साइड्स ऑफ दिस क्लोज्ड फिगर। जो भी क्लोज्ड फिगर है उसकी सभी साइड्स को आपको एड करना है तो हमें उसका पैरीमीटर या बाउंड्री पता चल जाएगा। क्लियर? सो आप देख सकते हो 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ये 4 डायमेंशन सभी को हमें ऐड करना है। सो लेट्स डू, पैरीमीटर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, हियर यू कैन सी यूनिट ऑल्सो आई एम राइटिंग, सो यू हैव टू ऑल्सो मैंशन यूनिट ऑल्सो, ओके। सो 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, यू कैन सी रेक्टेंगल हैविंग 4 लाइंस, 4 साइड्स, 4 डायमेंशन, सो आई एम हैविंग 4 ऑल द डायमेंशन, ओके। नाउ वी हैव टू एड इट। स्टूडेंट्स दिस स्टेप इज ऑप्शनल इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट, एंड डायरेक्टली एड करके आपको आंसर लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट आई एम शोइंग यू जस्ट टू मेक योर एडिशन ईजियर, ओके। सो 8 प्लस 8 विच इज 16 सेंटीमीटर प्लस दिस 3 प्लस 3 विच इज 6 सेंटीमीटर, राइट। दिस स्टेप इज ऑप्शनल, फॉर योर बेटर कन्वीनियंस आई एम डूइंग इट, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए एडिशन ईजी हो जाए इसके लिए मैंने ये स्टेप्स दिखाए हैं, ओके। इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन डायरेक्टली आंसर यू कैन राइट डाउन इट, सो 16 प्लस 6, नाउ यू कैन ईजिली डू द एडिशन ऑफ 16 प्लस 6, सो विच यू गेट आंसर 22 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? सो हियर वी गेट द पैरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 22 सेंटीमीटर, वॉट वी गेट, 22 सेंटीमीटर इज द पैरीमीटर और बाउंड्री ऑफ दिस फिगर। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट द पैरीमीटर ऑफ दिस गिवन फिगर, ओके। सो बाउंड्री, पैरीमीटर मीन्स वॉट, बाउंड्री, तो लेट्स स्टार्ट बाउंड्री दिस विद दिस, सी 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर एंड प्लस 3 सेंटीमीटर, दिस ऑल द साइड्स, बाउंड्री देखनी है, जो भी फिगर है उसकी बाउंड्रीज की सारी साइड्स जो है सबका एडिशन करना है तो हमें पैरीमीटर पता चल जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स दैट वी हैव टू राइट डाउन इट हियर, कैन यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, कैन यू सी, आई हैव मेंशन 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड, ओके, सो आई हैव मेंशन 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, नाउ रिमेनिंग 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 टाइम्स सॉरी 3 टाइम्स, सो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर,
Clear? And students, afterward, these three times we have read. Now still we are having two dimension left, which is 4 cm and the 3 cm. So that 1 + 4 cm plus 3 cm. This all the dimension you have to mention it by doing plus in between. Okay, and you can see also I have mentioned units also centimeter. Okay. And now I'm right directly answer, but addition I'm showing you directly on the figures. You can do it directly also. See, 10 centimeter here is there, so that we will write down it as it is. Plus, see here, 3 + 3, 6, right? 3 + 3, 6, plus this 4, yani 10. 3 + 3, 6 + 4, 10. So again, 10. And 2 + 2, 4 + 2, 6 + 4, 10. So plus 10. Clear? So this 10, this 3 dimension also add 10, this remaining also add by up to 10. Means 10 plus 10 plus 10. So what we get answer? 30 cm. So perimeter of this figure we get as a 30 cm. As answer. Clear everyone? Understood? So students, whenever you have to find out the perimeter of the any figure, you have to do it like this only. Right? You have to write down it. Perimeter is equal to. Then whatever dimension, whatever number of sides, jitni bhi hai koi bhi close figure ki, sabhi sides ko add karte ho with the unit. Aap dekh sakte ho, maine each and every units mention kiya hai, har dimension ke saath. To aapko bhi ye mention karna hai. And at the answer also, you have to mention the unit also. Is that clear? Everyone understood? Okay. Now, we will see, let's, now we are having the second exercise, which is find the missing length. हमें क्या find out करना है students? Missing length. यानी जो length miss हो रही है जिसका mention, dimension mention नहीं है, that we have to find out it. Okay? So here you can see a figure. आप देख सकते हो यहाँ पे. Let's see the dimension and where is the dimension not given. Okay? So this you can see, this is of a 3 cm. This is of a 2 cm. This length is of 5 cm, and yes, see this dimension here, question mark given. Can you see question mark? Yes, means what? We have to find out this line. अब हमें ये line का आपको जो length है वो missing है, वो हमें find out करना है. But students, for this kind of question also perimeter given. यानी ऐसे क्वेश्चन के लिए जब हमें किसी भी लेंथ को मिसिंग है वो फाइंड आउट करना है, वहाँ पे पैरीमीटर मेंशन होता है. राइट? विच इज गिवन, पैरीमीटर इक्वल्स टू 15 cm. ओके? यानी स्टूडेंट्स, पैरीमीटर ये फिगर का कितना है? 15 cm. एंड स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, पैरीमीटर मीन्स वॉट? पैरीमीटर का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द क्लोज फिगर. यानी ये सारी जो साइड्स हैं 1, 2, 3 and 4, ये सभी साइड्स का एडिशन करेंगे तो हमें 15 cm मिलेगा. येस और नो? विल गेट. ओके. नाउ स्टूडेंट, दैट मीन्स वॉट? ये जो मिसिंग है वो भी 15 cm में एड होगी ना. राइट? 3 + 2 + 5 + this missing, यानी ये सभी को एड करेंगे तब 15 cm मिलेगा. ओके? तो स्टूडेंट्स, अब हमें जब भी मिसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कैसे करना है? सो उसके लिए फॉर्मूला है, विच इज, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मिसिंग लेंथ, सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू पेरीमीटर, जो हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, जस्ट अ मिनट, पेरीमीटर माइनस, पेरीमीटर में से हमारे पास जितनी भी साइड्स अवेलेबल है उसको ऐड करना है. राइट? द साइड्स विच इज ऑलरेडी गिवन वी हैव टू ऐड इट, एंड दैट एडिशन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पेरीमीटर. मीन्स हियर वी हैव टू डू द एडिशन ऑफ गिवन साइड्स. क्लियर? हमें जितनी भी साइड्स दी है उसका एडिशन
होगा उसको पेरीमीटर जो हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें मिसिंग लेंथ पता चल जाएगी ना, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मिसिंग लेंथ, मींस पेरीमीटर माइनस एडिशन ऑफ ऑल द गिवन साइड्स. नाउ स्टूडेंट्स, हियर पेरीमीटर गिवन विच इज 15 सेंटीमीटर, okay, then minus in bracket I'm writing because we have to show the addition, okay. अब हमें addition दिखाना है 3 centimeter plus 2 centimeter plus 5 centimeter का, right? So that I'm writing here 3 centimeter plus 2 centimeter plus 5 centimeter and in bracket I'm showing you, can you see? Okay, now students, 15 centimeter as it is and minus, now I'm adding this one. Let's see what answer I'm getting. So 3 plus 2, 5, and 5 plus 5, 10. So what we get answer? 10 centimeter. Okay, now we can do the subtraction. 15 minus 10. If you're doing 15 minus 10, so what we get answer, students? Any guesses? Yes, what we get answer? We get answer 5 centimeter. Means this missing length is of 5 centimeter. And here in the blank you can write down 5. Is that clear? So this is the formula where you can find out the missing length. Remember it, whenever you want to find out the missing length, from the perimeter you have to subtract addition of all the given sides. Then you will get easily the missing length. Everyone understood? Now students, here this is the figure and we are having length of this 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter and 2 centimeter, and here you can see question mark, means this length we have to find out it, right? So as I told you students, how we will find out the missing length? So missing length ka abhi maine find formula dikhaya na, missing length is equals to perimeter mein se jo bhi sides di hai sabko subtract karna hai, yani hamare paas perimeter available hai 29 centimeter, which is given already in the question. This is also mentioned, okay? Perimeter 29 में से addition जितनी भी sides हमें दी है वो सबको addition करके फिर उसको perimeter में से हम subtract करेंगे, right? So we are having 3 centimeter plus 2 centimeter, 4 centimeter plus 6 centimeter plus 5 centimeter, यानी 3 centimeter plus 2 centimeter plus 4 centimeter plus 6 centimeter plus 5 centimeter. Okay, so here I have add all the dimension which is given. Now students, I am adding, see, 3 centimeter plus 2 centimeter kitne honge? 5 centimeter, and 5 centimeter plus 5 centimeter kitne honge? 10 centimeter, and 6 plus 4 also 10 centimeter, yani 10 plus 10 kitne honge? 20 centimeter, right? So that means 29 centimeter minus addition of this all the given side we get as a 20 centimeter. Okay, now we will got the missing length. Yes, so 29 minus 20, so what we will get answer? Any guesses? It's very easy. Yes, so 29 minus 20, so we get answer 9 centimeter. So this missing length is of 9 centimeter. Here also you can mention it, 9 centimeter. Understood? How to find out the missing length? Sure? Now next question is, students, find the perimeter of a rectangle with here. Now students, here no figure given, only length and the breadth given. Length hame diya hua 18 centimeter and breadth given which is 10 centimeter. Now students, till now what we have going, hame yahan pe figures mentioned thi, figures ke sare dimension mentioned the, so we can easily find out the perimeter. But here no figure given, only length and the breadth given. So students, ab aap log sab dhyan se dekho, but here in the question mentioned that this is the rectangle, yani आपको क्या करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल यूजिंग स्केल एंड अ पेंसिल लाइक दिस वे, एज आई एम ड्रॉइंग, कैन यू सी? ओके, सो लाइक दिस वे स्टूडेंट्स, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ रेक्टेंगल शेप
like this. All right. Okay. Now students, more question. अब देखो हमारे पास 18 सेंटीमीटर लेंथ है, मीन्स लेंथ इज ऑफ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 10 सेंटीमीटर, सो दिस ब्रीथ इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट सी हियर, एवरीवन लुक हियर केयरफुली. हियर वी गॉट टू डायमेंशन. व्हाट अबाउट दिस टू डायमेंशन, ये हम कहाँ से लाएंगे? किसी को आइडिया है? एनीवन? क्या करेंगे? हमारे पास तो दो ही डायमेंशन है. पेरीमीटर का मतलब होता है कि सभी साइड्स को हम ऐड करेंगे, एंड वी आर हैविंग ओनली टू डायमेंशन. दिस टू इज नॉट मेंशन, सो हाउ वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शेप? सो स्टूडेंट्स, जब हम शेप्स वाला लेसन पढ़ते थे तभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था दैट रेक्टेंगल हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल इन अ लेंथ. यानी अपोजिट का मतलब होता है सामने सामने की जो साइड्स होती है ना, दोनों की लेंथ इक्वल होती है. मींस इफ दिस इज ऑफ 18 सेंटीमीटर, मींस दिस लेंथ इज आल्सो ऑफ 18 सेंटीमीटर. एंड इफ दिस लेंथ इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, मींस दिस लेंथ इज आल्सो ऑफ 10 सेंटीमीटर. क्लियर? राइट. नाउ वी गेट ऑल द डायमेंशन. Now we can find out the perimeter, right? Okay, so we are having 18 centimeter, 18 centimeter two times, and 10 centimeter, 10 centimeter two times. So let's find out the perimeter of this rectangle. So you have to write down it. Perimeter is equals to 18 centimeter plus 10 centimeter plus 18 centimeter plus 10 centimeter. Okay, we have to add. So you can see students, 18 plus 18, which is we get 36 centimeter, plus 10 plus 10, which is get 20 centimeter. Okay, so now 36 plus 20, so 6 plus 0, 6, and 3 plus 2, 5. So we get answer 56 centimeter perimeter of this given rectangle. Clear everyone? Okay, so students, whenever also if this kind of question in your CW is also there, and in exam also I'm asking question, I'm not mentioning figure, only I'm giving length and a breadth, and you have to find out the perimeter. So you have to first also draw this shape of a rectangle. यहाँ पे आपको दिया है ना रेक्टेंगल, तो आपको भी ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. मेंशन ऑल द डायमेंशन, मिसिंग डायमेंशन आल्सो यू हैव टू मेंशन इट एज रेक्टेंगल हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल इन अ लेंथ, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. क्लियर एवरीवन? सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग वन मोर एग्जांपल ऑफ सेम एक्सरसाइज, व्हिच इज हियर ब्रीथ गिवन, व्हिच इज 35 सेंटीमीटर and length given, which is 43 centimeter. So students, as I told you, here no figure. So first of all, what you have to do? You have to draw a rectangle shape first, right? So here I'm drawing a rectangle shape like this. Okay, so here we are having a rectangle shape. Length given 43, याद रहे length this one which is 43 centimeter, means this length is of 43, means opposite this one is also of 43 centimeter. Length given, right? Now breadth 35 centimeter, means this one 35 centimeter. If this is 35 centimeter, means this one is also of 35 centimeter. We are having all the dimension. Now can we find out the perimeter? Yes. So perimeter is equals to, we are having 43 two times, so 43 centimeter plus 35 centimeter plus 43 centimeter plus 35 centimeter. Clear everyone? Okay, so 43 plus 43 means 3 plus 3, 6, and 4 plus 4, 8. So 86 centimeter plus 35 plus 35 means 5 plus 5, 10, 1 carry over, 3 plus 3, 6 plus 1, 7. So 70 centimeter.
okay? So 86 centimeter plus 70 centimeter. So 6 plus 0, 6, and 8 plus 7, 15. So we get answer 156 centimeter perimeter of this rectangle. Clear everyone? Everyone understood this one? Okay, so students, whenever this kind of question is there, if you want to find out the perimeter of a rectangle shape, first you have to length and breadth only mention. So you have to first draw the shape of rectangle, right? And then you have to find. Okay, everyone understood?